हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बस किचन को मैंने क्लीन कर दिया है और बच्चे का आज डिमांड था कि मम्मी आज पास्ता बनाओ। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर को बॉईल कर लिया है और इसको मैं मिक्सर में डाल देती हूँ और इसको हमें प्यूरी बना लेना है। आप सभी को मोस्ट वेलकम है आदित्य एंड अजय चैनल पर। और इधर देखिए मैं भगोने में तेल डाली हूँ, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो, रिफाइंड या सरसों का तेल। उसके बाद इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देती हूँ और लहसुन का कलर ब्राउन होने तक हम इसको हम पकाएंगे अच्छे से, सुनहरा कलर आने तक। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आदित्य एंड अजय चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। आप सभी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। तो यहाँ पे बस देखिए कलर आने वाला ही है लहसुन के ऊपर, तो इसको हम चलाते हुए इस तरह से ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन कलर आने तक ब्राउन पूरा नहीं करना है। और लहसुन का ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ब्राउन हो गया, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, तो एक बड़ा कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। आप यहाँ पे मोटे मोटे साइज या कैसे भी आप काट के डाल सकते हो। तो इसको हमें पूरा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा मतलब ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको पकाएंगे, कम से कम इसको पिंक कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। और तो यहाँ पे देखिए प्याज को हमने 2 मिनट तक पका लिया, उसके बाद हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है और इसमें स्वाद के अनुसार नमक। और यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद टमाटर का प्यूरी डाल लेंगे। और जो टमाटर का पानी था ना उसको डाल के ही मैंने पीस लिया है, एक्स्ट्रा पानी मैंने नहीं डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक इसको हम पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम बॉयल पास्ता डाल दूँगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, और वैसे भी हम गांव जाने वाले हैं ना, तो कुछ पास्ते बचे हुए थे और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी मुझे पास्ता खाना है। तो मैंने कुकर में ही डाल के और टमाटर का प्यूरी मैंने कुकर में ही डाल के इसी में पास्ता बना दिया था। तो इस तरह से देखिए कुछ टेढ़े मेढ़े पास्ते होते हैं ना वो था, कुछ मैक्रोनी था, तो दोनों को मैंने मिक्स करके बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए सारे बच्चे को मैंने दे दिया है, यहाँ पर देखिए सभी बच्चे खा रहे हैं। और इधर आदित्य अजय है, बोल रहा है बहुत टेस्टी बनी है। और इधर मेरी बेटी सिमरन है, देखिए ये भी बोल रही है मम्मी बहुत टेस्टी बनी है। और इधर ऊपर बेड पे अजय बैठा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे सब बच्चे बहुत खुश हो गए थे और आज का डिनर हमारा पास्ता ही रहेगा। तो मैं भी आ जाती हूँ लेके, अभी बच्चे को दे रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ कि कैसा बना है। तो यहाँ पे देखिए सब बोल रहे थे कि मम्मी मैं ढेर सारा पास्ता खाऊंगा, मैं ढेर सारा पास्ता, सब बच्चे बोले। हम बोले अच्छा ठीक है, चलो आज मैं डिनर ही बना देती हूँ पास्ता का। तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ, हम बोले चलो बच्चे के साथ मैं भी बैठ के खा लेती हूँ। तो मैं भी अपना कटोरा लेके आ गई हूँ, तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए, पास्ता बहुत टेस्टी बनी है। तो ले लीजिए आप सब भी, मुँह खोलिए। और यहाँ पर गरम है अभी पास्ता, गरम गरम है, बच्चे को मैंने पहले ही पंखा के सामने ठंडा करके मैंने दे दिया, तो थोड़े बहुत बच्चे भी खा रहे हैं मगर अभी गरम ही है। तो मैं भी खा के देखती हूँ, बच्चे तो बोले कि बहुत टेस्टी बनी है मगर मैं भी ट्राई कर लेती हूँ पहले कैसा बना है। वैसे पास्ता मैं जब भी बनाती हूँ तो टेस्टी ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे के साथ और हस्बैंड को भी इधर दे दिया हूँ और हम सब इधर बैठ गए हैं। तो पास्ता उस तक ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में आप सभी के साथ अपना होम टूर भी करवाने वाली हूँ आज। जाते जाते एक बार मैं अपना होम टूर आप सबको करवा देती हूँ क्योंकि ये रिक्वेस्ट आ रहा था। और यहाँ से देखिए जूते चप्पल रखने का जगह है, स्टैंड है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको अपना कुंडी खोल रही हूँ, दरवाजे का मेन गेट का है। तो उसके बाद देखिए गेट खोलते ही यहाँ पर इधर हॉल आता है जहाँ पे आप एक बेडरूम एक बेड बिछा हुआ है फोल्डिंग जो होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सामने एक विंडो है, यहाँ प्योरेट है, यहाँ पे एक हैंगर टांग रखी हूँ और इधर एक लोहे की अनबारी है जो कि इस तरह से मैंने रख दिया। इसमें कपड़े उपड़े डब्बे उबे आटे उटे आटा चावल का डब्बा मैं रखती हूँ।
तो यहाँ पे इस तरह से है, देखिए ये डब्बा दिखाई हूँ। और इधर एक रैक मंगवाए थे हस्बैंड, ये वाला पिंक कलर की जो है उसमें बहुत सारे काम निकल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए रजाई मैंने फोल्ड करके इस तरह से ढक के रख दिया है, इसको हमें बोरा में पैक करना है। और ऊपर देखिए पेंट जब मैं करवाई थी तो पिंक कलर का इस तरह से डिजाइन बना हुआ है, पंखा है, और साइड साइड में इस तरह से लाइनिंग दे दिया था पिंक कलर की, तो थोड़ा सा अच्छा उभर के आ रहा था कलर। और यहाँ पे देखिए नहीं तो फिर सेम सेम रहता है ना, तो ठीक नहीं लगता है। और इधर किचन है, तो नीचे में आटा चावल जो भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं वो रखती हूँ। और इधर देखिए नमक है, तेल है, जो भी मसाले उसाले होते हैं इधर रख देती हूँ। अदरक लहसुन जो भी अदरक हो गया लहसुन हो गया इधर ऊपर टोकरी पे रखती हूँ। और यहाँ देखिए प्योरेट है, टोकरी में बर्तन है, और कुछ बर्तन में दीवार में खोस रखी हूँ। और इधर देखिए आटा चावल ये सब डिब्बे में रखा हुआ है। तो ये तो हमारा किचन हो गया, चलिए मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और देखिए दीवार में कुकर, कढ़ाई, तवा इस तरह से मैं टांग के रखती हूँ। और आपको मैं अभी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारा फाइनल दूर से हमारा किचन किस तरह से दिखता है। तो देखिए इस तरह से हमारा फाइनल कुकर किचन दिखता है। और उसके बाद इधर हमारा बेडरूम है, और इधर देखिए बैग पैकिंग है, जो कि हमने बैग पैकिंग कर लिया है। जो कि मैं बोल रही थी कि चलो एक बार ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि दीदी आप अपना होम टूर करवाइए, होम टूर करवाइए, तो यहाँ पे मैं सोची चलो जाते जाते एक बार होम टूर करवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फोल्डिंग के ऊपर जो बिस्तर था ना उसको मैंने समेट लिया है, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाएंगे चाहे कुछ भी, तो इस तरह से मैंने समेट के छोड़ दिया। और ये हमारा बाथरूम है, बाथरूम है, ये वाला सीट लगा हुआ है, बाल्टा है, साबुन वबुन ये सारी चीज़ें अंदर, ये तो छोटा ही बाथरूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद बाथरूम के बाद हमारा जस्ट एक बेडरूम है, देखिए 1 BHK का, ये पूरा हॉल 1 BHK का ही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बेडरूम में, अब चलिए एंटर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आदित्य कहाँ बैठा हुआ, छुपन छुपाई ये सब हाइड एंड सील खेल रहे थे, तो देखिए कहाँ बैठ गया है और बोल रहा है कि मम्मी मुझे क्यों दिखा रही हो। और इधर देखिए सब टीवी उबी का था ना, तो कवर वगैरह ऊपर नहीं रखा हुआ, फेंकी नहीं हूँ। और इधर अलमारी है, इधर टेबल है, और बेड शीट वगैरह, देखिए बच्चे बहुत खुश हैं, देखिए हेलो हाय कर रहे हैं। सिमरन है, अजय है, देखिए। और ये पेंटिंग जो पोस्टर लगा हुआ है ना, यहाँ से बच्चे पेपर एक कोना निकाल दिए हैं, तो देखिए। और जिस घर में बच्चे होते हैं ना उस घर ऐसा ही होता है, कितना भी आप साफ सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ कमियां हो ही जाती है। तो यहाँ पे टेबल पे ही मैं मंदिर लगा रखी हूँ, देख सकते हो यहाँ पे पूजा के मंदिर है। और दीवार में जब से पेंट हुआ तब से मैंने कोई कील वील नहीं रूम में गाड़ा है, तो यहाँ पे टेबल पे ही रखा हुआ है। और इधर देखिए पर्दा इस तरह से मैं लगा कर रखती हूँ ना, तो थोड़ा ठीक ही लगता है, नहीं तो फिर खुला खुला सा बुक वगैरह रहता है तो ठीक नहीं लगता है। तो इधर बगल में ही टीवी दीवार में लगा हुआ है, तो पहले से ही होल है, ऐसे मैं पेंट के बाद नहीं करवाई हूँ, पेंटिंग के बाद पहले से ही था। और देखिए रूम का भी अंदर जो छत है ना, इसमें भी इस तरह से डिजाइन डलवाया गया है। और इधर फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सामान है। और यहाँ पे देखिए कुर्सी है, और इधर बोरी में भी कपड़े हैं, स्वेटर वगैरह जो कि हमें रखना है, और क्योंकि अभी तो ठंडा उंडा है नहीं, तो फ्रिज फाज की इसमें मैं बोरे में रख दिया हूँ। और इधर लकड़ी की अनबारी है जिसके ऊपर आदित्य चढ़ा हुआ था। और यहाँ पे देखिए कपड़ा उपड़ा है, अभी बच्चे निकाले हैं कपड़े तो इस तरह से, और नीचे वाला से नहीं निकाला, देखिए तह लगा हुआ है। और देखिए इधर बच्चे जो है कैचम कैची खेल रहे हैं। और इसके बाद चलिए मैं आपको बाहर से इसका रूम का व्यू दिखाती हूँ कि हमारा पूरा रूम किस तरह से दिखता है। तो देखिए हॉल से हमारा रूम इस तरह से दिखता है, साइड में बाथरूम है, उसके बगल में देखिए हॉल है, तो
तो ये ब्लॉग यहीं तक थी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें।